हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि काशी सलोन में ज्यादती का निशाना बनने के बाद मिशी खान और सना फखर भी मंजरे आम पर आ गईं। क्या कहा बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सही है, सही है। सारे याद का कहना था कि इन्हें हरास करने की पूरी पूरी कोशिश की गई और इनका स्टाफ बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तो दोस्तों, इस बात पे तमाम लोगों ने सहर याद का साथ दिया और काशी सलोन का नाम बदनाम करने में उनकी मजीद मदद की। सहर याद की तमाम तर बातें देखते हुए तमाम तर अदाकाराएं भी बोल पड़ी हैं और उन्होंने क्या कहा है काशी सलोन के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी आप फॉरन जाएं, काशीज ऑफिशियल का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उधर स्टोरी में सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि ये जो टिकटॉकर हैं सहर हयात, इनको लाहौर काशी सैलॉन का स्टाफ रिसीव करता है। उसके बाद ये अंदर आती हैं, इनको भूख लग रही होती है, इनके लिए खाना मंगवाया जाता है, खाना खाती हैं। उसके बाद ये मेकअप चेयर्स पे बैठ के आराम से हंस बोल रही हैं, स्टाफ इनका मेकअप कर रहा है। उसके बाद ये तैयार होती हैं और उसके बाद ये अपने टिकटॉक के डांस कर कर के वीडियोस बना रही हैं। यार, आप लोग इस तरह के चीप इल्जाम लगा रहे हैं कि जी उनका स्टाफ बड़ा खराब है और इस तरह के वर्ड्स के जी घटिया है और काशी सलोन ना जाएं और कराची लाहौर और ये वो कर रहे हैं। यार, डू यू गाइस हैव एनी शेम कि आप लोग अपने फॉलोअर्स या लाइक्स के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इतना बड़ा नाम, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके स्टाफ या उन्होंने किसी से भी कोई ऐसी बदतमीजी की हो। हम लोग इतना जाते हैं, आप लोग क्या आसमान से उतरे हैं कि आपके साथ ये हुआ? झूठ बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना फ़खर और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि काशी के सैलॉन के बारे में कुछ लोग बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं और कुछ लोग शोहरत हासिल करने के लिए किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ असलम और काशीज़ की एसोसिएशन मेरे साथ बहुत सालों से है और मैं काशिफ को पर्सनली भी जानती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मुझे उनके इवेंट्स वगैरह में भी और उनके पर्सनल इवेंट्स में भी। मैंने उस को हमेशा मेहनत करते हुए देखा है और इस तरह से नहीं पार उसने खड़े किए, बड़ी मेहनत से खड़े किए हैं और उसके लिए अब तक वो मेहनत करता रहता है। और ये जो चंद लोग आकर किसी को भी किसी अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही गलत बात है और मैं इसके लिए मुज़म्मत करूँगी। और काशी को अल्लाह में और हिम्मत दे और कामयाबियाँ दे। ये सब चीज़ें जो होती हैं वक्ती होती हैं। मुझे पता है काशिफ इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे ये सख्त बुरा लगा है कि उसके। तो दोस्तों, मिशी खान और सना फखर की ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि वाकई ही सहर हयात सच्ची हैं या मिशी खान और सना फखर सच कह रही हैं। मिलती हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।